हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। तो आज हम बात करेंगे प्यार और जुनून, प्यार और शक के बारे में। अगर आप सीरियल के फैन हो मेरी तरह, तो आपने शायद आरके को देखा होगा, मधुबाला इश्क एक जुनून। तो आज की कविता का हमारा हीरो थोड़ा सा आरके टाइप है, बहुत ज्यादा पॉसेसिव है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बहुत ज्यादा जेलस है। और इस कविता के साथ एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है तेरा इश्क। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और आज के कविता के साथ बिल्कुल जाती है। तो चलिए समझते हैं हीरो क्या था, हीरोइन कैसी थी और फाइनली उन दोनों का क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इश्क और शक। पूरी दुनिया के लिए हमारा प्यार पागलपन था, सखी वाला प्यार था, जुनून की हद तक जा चुका। तुम्हारी उन भूरी सी आंखों में सिर्फ मेरा जाए और मेरे हर बात में सिर्फ तुम। मेरी दिन की शुरुआत तुम्हारे कॉल से होती थी और रात खत्म तुम्हारे ही यादों से और बातों से होता था। मेरे कपड़े वो तो तुम्हारी पसंद के होते थे, मेरे गहने या फिर मेरे बाकी सामान, उसके मसीहा भी तुम ही हुआ करते थे। बड़े झुमके पहना करो, तुम्हारा चेहरा चांद सा खिल जाता है। अपने बालों को ऐसे ढक के मत रखा करो, तुम्हारी खूबसूरती कम लगती है। अपने बालों को खुला छोड़ा करो, तुम्हारे चेहरे पे ज़्यादा सूट करती है। तुम बिंदी क्यों नहीं पहनती, बिंदी में मानो तुम परी जैसी लगती हो। तुम कभी बिल्कुल सफेद कपड़ों में क्यों नहीं आती, तुम मेरे सपनों की राजकुमारी लगती हो। तुम्हारी फरमाइशें चलती रहती थी और मेरी बदलाव। मेरी जिंदगी में मेरा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम कर दिया। मेरी फेवरेट मूवी कौन सी थी, शायद आज भी मुझे याद नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे साथ देखती थी वो ही कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में मेरी फेवरेट मूवी बन जाया करती थी। तुम एक जौहरे की तरह एक नायाब हीरे को तराश रहे थे और तुम्हारा सब्जेक्ट थी मैं। पर कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज़ खूबसूरत नहीं होती। हमारा प्यार तो बहुत खूबसूरत था, पर उसमें एक कमी थी, चांद में एक दाग की तरह, भरोसे की कमी। जिस लड़की की जिंदगी तुम से शुरू होकर तुम पे ख़त्म हो जाती थी, जिसके हर सांस पे तुम्हारा हक था, उस पर भरोसा क्यों नहीं था। जिस लड़की ने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी हर खुशी नीलाम कर दी और जिसने तुम्हारी एक हंसी के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर, जिसने हर ख्वाहिश तो सर आंखों पर रखा। तुमने बोला गीले बालों में तुम कैसी रखती हो, मुझे दिखाओ। उसने तुम्हें वो चेहरा दिखाया जिसने तुम्हारे दिए हुए टेडी बेयर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, जिसने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, पर तुमने उस पे प्यार पर विश्वास नहीं किया। तुम अपने कपड़े उसे दे देते थे और वो पहनती थी तुम्हें महसूस करने के लिए। और वो लकी ब्रेसलेट याद है जो तुम उसके हाथों पे डाल देते थे और उसको बोलते थे ये तुम्हें याद दिलाएगी कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, और वो बेचारी सिर्फ हमेशा मुस्कुराकर तुम्हारे हर ख्वाहिश को अपनी सर आंखों पर रख लेती थी। कोई भी लड़का उससे बात करे तो उसे अनसेफ कहकर उससे दोस्ती तोड़वा देते थे, जिसकी नाम पता और घटा सिर्फ इश्क था, वही इश्क उसके लिए दर्द बन गई। तुम्हारे नाम से ही शायद वो हर सांस लेती थी, पर तुमने उसके हर सांस पे भी पाबंदी लगा रखी थी। उसके आंसू को डायमंड कहा करते थे ना तुम, पर उसके पेपर का आंसू तुम्हें क्यों कभी नजर नहीं आए, या फिर शायद तुमने उसे सिर्फ पानी समझ लिया था। पर जनाब, अगर शायद तुम उन्हें नीलाम करते तो तुम्हें उसकी कीमत पता चलती। वो सिर्फ तुम्हारे लिए बहाए गए एक एक मोती हुआ करते थे। उसकी हर जख्म का दवा बनना चाहते थे ना तुम, पर उसे ही जख्म समझ बैठे, उसे
बेवफा समझ बैठे और उसने कि इतनी मोहब्बत तुमसे कि तुम्हारे हर इल्जाम को तुम्हारी मोहब्बत समझ बैठी। इश्क तो था जनाब, इश्क तो था, वो भी जुनून के हद तक, पर उसको तुम्हारे शक ने फना कर दिया। इश्क तो था जनाब, इश्क तो था, पर उसको तुम्हारे जुनून ने, तुम्हारे शक ने फना कर दिया। वो भावरी थी तुम्हारे प्यार में, इसीलिए तुम्हारे लिए उसने अपनी ज़िंदगी को ही फना कर दिया। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज की कविता? अगर अच्छा लगे और अगर आपने भी किसी के प्यार में ऐसे ही फना होने का जज्बात है तो ज़रूर उनके साथ ये पोएम्स शेयर कीजिएगा। हम लोग YouTube, Facebook हर जगह पे अवेलेबल है। और ये कविता का रिक्वेस्ट हमें सोनिया की तरफ से आया था। और उसके साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं उस हर प्यार करने वाले इंसान से करूँगी कि प्यार बहुत खूबसूरत एहसास होता है, पर शक उतना ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला एहसास होता है। तो अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उस पर भरोसा करो, क्योंकि भरोसे से प्यार बढ़ता है और वो यूनिवर्सल, हमेशा, फॉरएवर वाला प्यार बन जाता है। सो हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।